पंडोकर पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री। आटा चक्की की आड़ में चल रहा था अवैध हथियार बनाने का गोरख धंधा। पुलिस ने अवैध हथियार के जखीरे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पंडोकर थाना क्षेत्र के ग्राम सालोन बी में अवैध हथियार बनाकर बाहर बेचता था आरोपी। पुलिस ने 3 बंदूक, 1 कट्टा व 6 कारतूस सहित हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी द्वारिका लोहार को किया है गिरफ्तार। पुलिस कप्तान डी कल्याण चक्रवर्ती के निर्देशन पर एएसपी मंजीत सिंह चावला के मार्गदर्शन में भांडेर थाना प्रभारी उदय बान सिंह व पंडोकर थाना प्रभारी अनूप भार्गव की संयुक्त कार्यवाही। लंबा सा बनाओ, लंबा हाइट कम है, थोड़ा सा सामने दिखे, कुर्सी पर खड़ा करें। थाने का सालोन बी गांव में हमको जानकारी मिली थी, एसडीओपी और टीआई को वहाँ एक जानकारी मिली थी कि एक लोहार है, द्वारका लोहार, पिता सियाराम सियाचरण लोहार, इनके यहाँ अवैध रूप से शस्त्र बनाया जा रहा है करके जानकारी मिलने पर इन्होंने तुरंत टीम बना के हमने इसको रेड कराया। तो वहाँ घर में ही एक आटा चक्की चलता था, आटा चक्की के आड़ में पीछे उन्होंने एक शॉप बना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा था जिसपे ये वेपन्स तैयारी का कार्रवाई हो रही थी। इसमें ये स्टोरी ये निकला कि सियाचरण लोहार जो है इनके पास ये जो लाइसेंस्ड वेपन्स का रिपेयरिंग करने का लाइसेंस था और इसका मृत्यु 1994 में हो गया और उसके बाद उसका बेटा द्वारका लोहार ने इस लाइसेंस को फिर रिन्यू कराया और 2004 तक इसने लाइसेंस पे रिपेयरिंग के नाम पर कुछ अवैध काम भी किया है, ये जानकारी अभी मिल रहा है। बट 2004 के बाद उसके पास लाइसेंस ख़त्म हो गया, उसने ना रिन्यू कराया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमने रेड किया तो इसके पास ऑलमोस्ट हमको 4 ऐसे 312 बोर ऐसे आधा बना हुआ वेपन सब मिले थे। इसमें हमको 6 कैटरेज भी मिले और इसमें जानकारी ये मिली कि इसने ये 5 दिन में एक 315 बोर का गन जो है वो तैयार कर लेता है और 15,000 में बेचता है। खट्टा एक दिन में बना लेता है और 5,000 में बेचता है, ऐसे जानकारी मिली थी। तो पूरा इसका इन्फॉर्मेशन को ये करते हुए वहाँ सामान भी हमने देखा है और पकड़ा है, ये खुलासा करने के लिए आज हमने बुलाया है। लगभग पूछताछ चल रहा है 2004 से लेकर 2014 तक, तो अभी तक इसने 2 बार पकड़ा भी गया है ये पंडोकर और बांडेर थाना में। तो 2 बार इसमें इंफॉर्मेशन तो थी उसका, लेकिन फॉलो अप क्या क्या हुआ, कौन कौन अभी इसके पास है, ये अभी पूछताछ चल रही है। तो आगे और बढ़ने का ये है।